आज का प्रेरणा पाथे पशुता मानवता को चलती है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें तीन लेयर है, पहली लेयर पशुता की लेयर है, दूसरी लेयर मानवता की लेयर है और जो तीसरी लेयर है वो देवत्व की लेयर है। तो जो पशु और मानव के बीच में अंतर क्या है कि मानव सिविलाइज्ड है, मानव के पास में विकसित जो है पांच इंद्रियां हैं, विकसित रीजनिंग माइंड है और विकसित और रीजनिंग माइंड है वो डेवलप्ड है और उसके साथ साथ में उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी डेवलप्ड है। यानी मनुष्य एक डेवलप्ड व्यक्तित्व है जबकि पशु डेवलप्ड व्यक्तित्व नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो पशु के समान है, उसका उसके पास में कोई ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति पशुता पर आ जाता है यानी जब वो हिंसा करता है, अमानवीय कार्य करता है और अपराध के कार्य करता है, मिलावट के कार्य करता है, आतंकवाद के कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो पशुता का कार्य करने लग जाता है, वो हैवानगी का कार्य करता है, जैसे रेप के केस वगैरह इत्यादि जो है। तो ऐसे जो पशुता है ये मानवता को चलती है, यानी अज्ञान है वो ज्ञान को चलता है। ऐसे जो है पशुतावादी लोग जो होते हैं समाज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो समाज के कंटक कहलाते हैं और वो समाज के कंटक जो होते हैं वो पशुता का रूप होते हैं। तो वो जो बेचारे सज्जन व्यक्ति है, अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, वो तो अपने कार्य से मतलब रखते हैं, दूसरे हथकंडे नहीं रखते, उनको परेशान करते हैं।